हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी यूनिवर्सिटी विट पोएट। बेटे आज हम यूनिवर्सिटी विट जो पोएट हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवन स्कॉलर्स हु वर लर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। देखिए, जो यूनिवर्सिटी विट पोएट हैं वे सभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने स्टडी करी उस समय। तो उसमें सेवन पोएट है हमारे, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार टीजीटी और पीजीटी में। नंबर वन है क्रिस्टोफर मार्लो, 1564 से 1593 तक रही। सेकंड है जॉन लिली, 1554 से 1606 तक रहे। थर्ड है जॉर्ज पील, 1558 से 1597 तक। फोर है हमारे थॉमस लॉक, 1558 से 1625 तक रहे। फिफ्थ है थॉमस किड, 1557 से 1595 तक रहे। सिक्स है थॉमस नास, जो 1567 से 1601 तक रहे। और सेवन है रॉबर्ट ग्रीन, जो 1560 से 1592 तक रहे। तो इस प्रकार बेटे ये हमारे सेवन स्कॉलर, ये हमारे सेवन यूनिवर्सिटी विट पोएट हो गया, हमारे सेवन यूनिवर्सिटी विट पोएट हमारे ये हो जाते हैं। इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी विट पोएट है, या ये पूछ लिया जा सकता है इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी विट पोएट नहीं है। इस प्रकार का टीजीटी में क्वेश्चन कई बार आया है, इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट बनता है हमारा, जो है देखिए, इन सभी लोगों, इन सभी स्कॉलर ने कहीं ना कहीं जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है अध्ययन किया है, लेकिन इनमें से एक पोएट ऐसा है जिसे हम यूनिवर्सिटी विट भी कहते हैं, लेकिन उसने किसी भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन नहीं किया, तो उसका नाम पूछ लिया जाता है। उसका नाम है थॉमस किड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट स्टडी इन एनी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। तो उसमें से बहुत सारे, ये सारे राइटर वे दे देंगे यहाँ पर जो है, और उसमें से हमें उस राइटर को जो है सेलेक्ट करना होगा जिसने यूनिवर्सिटी विट तो हम कहते हैं उसको, लेकिन उसने किसी भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं करी है, फिर भी हम उसे यूनिवर्सिटी विट कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, अब क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है हमारा क्रिस्टोफर मार्लो। स्विनबर्न कॉल हिम, स्विनबर्न एक राइटर हुए, उन्होंने उसके बारे में कहा है क्रिस्टोफर मार्लो के, द फर्स्ट ग्रेट पोएट, द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड द एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। इनके बारे में ये कोटेशन इन्होंने जो है, जो इन्होंने इसके बारे में, ये राइटर जो है द फर्स्ट ग्रेट पोएट एंड फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड एक्सप्लोरर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स को लाने में बहुत अग्रदूत अग्रणीय रहे ये। इन्होंने जो क्रिस्टोफर मार्लो की जो बुक है, देखिए ये बुक आ जाती है कई बार, मैंने इसलिए इसको क्रिस्टोफर मार्लो को यहाँ पर लिया। ये बुक कई बार पूछ ली जाती है कि एडवर्ड सेकंड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो ये एडवर्ड जो सेकंड है, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई बुक है ये, 1593 में लिखी गई थी। और इट इज वर्दी प्रीसेडर ऑफ शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले। देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इन चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि शेक्सपियर ने कहीं ना कहीं जो अपने जो थॉट्स थे किसी ना किसी से वे उधार लिए थे। जैसे जो है उस जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले थे वो हमारे लिए थे एडवर्ड, ये हमारे जो लिए गए थे क्रिस्टोफर मार्लो
राइटर के द्वारा लिए गए थे और उसके हिस्टोरिकल प्ले इसके एक एग्जांपल है। देखिए ये प्रीसेडर, यहाँ पर जो है ये जो हिस्टोरिकल प्ले है, जैसे हमारा हिस्टोरिकल प्ले में आता है जूलियस सीजर है हमारा जो है, तो ये प्ले जो है कहीं ना कहीं इसकी जो इसका जो विचार जो शेक्सपियर के दिमाग में आया था, इन चीज़ों को जो है एडवर्ड कहीं ना कहीं उसने इन चीज़ों के अध्ययन किया होगा निश्चित ही। नेक्स्ट देखिए, दूसरी जो बुक लिखी थी इन्होंने जो है, जो क्रिस्टोफर मॉर्लो के द्वारा, सेकंड इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है द ज्यू ऑफ माल्टा, जो 1589 में राइट करी गई थी। द करेक्टर ऑफ साइलोक इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्ले। अब देखिए, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं, शेक्सपियर का जो ये हमारी ट्रेजिडी कॉमेडी है, वो जो है इसमें एक साइलोक करेक्टर है। जो साइलोक करेक्टर जो हमने कहा, शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, वो ये जो है द ज्यू ऑफ माल्टा जो जो लिखी गई है क्रिस्टोफर मॉर्लो के द्वारा लिखी गई है, वहाँ से करेक्टर लिया है। तो इन चीज़ों के द्वारा हम निश्चित ही ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने कहीं ना कहीं जो है उसके अपने विचार नहीं रहे, और उसने इन राइटरों की बुक को अध्ययन करके कहीं ना कहीं उसे जो है अपने शब्दों में जो है पिरोया है। तो इसमें से कई क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे जो ये जो साइलो करेक्टर है वो किसके जो है, इससे पहले जो है किस की राइटर की रचना है, किस राइटर ने इसको लिखा है। देखिए, नेक्स्ट हो सकता है ये हमारे जॉन लिली, ये हमारे देखिए अभी उसी का हमारा पार्ट चल रहा है, ये हमारा जो ये पार्ट यूनिवर्सिटी विट में जॉन लिली भी एक राइटर हुए है। ही इज नोन एज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट, ही वाज द फर्स्ट टू गिव द सेफ ऑफ रोमांटिक कॉमेडी विद ह्यूमर्स एंड रोमांटिक फैंसी। देखिए, जो जॉन लिली थे, देखिए इसमें भी क्वेश्चन ये बन जाता है कि वे जो है ही इज नोन एज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट के वे जो है लीडर रहे हैं, और रोमांटिक जो कॉमेडी है ह्यूमर्स एंड ये स्किन के द्वारा रिटर्न है। अब देखिए, उसके बाद में हमारा चलता है एलिजाबेथियन एज, ये बहुत महत्वपूर्ण एज है एलिजाबेथियन एज। एलिजाबेथियन जो एज है, अब देखिए इसमें डेट पूछी ली जाती है कई बार, जो एलिजाबेथियन एज है वो 1558 से 1603 इसको पीरियड रहा है। दिस पीरियड इज रीजन ऑफ एलिजाबेथी, क्योंकि इस समय जो है एलिजाबेथन महारानी ने जो है इंग्लैंड पर शासन किया है। द फेमस रिलीजियस वार नोन एज 30 ईयर वार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 30 ईयर वार जो युद्ध हुआ था वो एलिजाबेथियन के शासनकाल में ही हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट कर ये जो है हमारा ये क्वेश्चन है सर। अब देखिए, एलिजाबेथियन एज के जो कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनमें सर फिलिप्स सिडनी है, क्रिस्टोफर मार्लो है, एडमर स्पेंसर है, शेक्सपियर है, सर वाल्टर लेफ है, फ्रांसिस बेकेन है, और बेन जॉनसन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे देगा कि इनमें से कौन सा जो राइटर है वो एलिजाबेथियन एज का नहीं है। तो हमें देखिए एलिजाबेथियन के राइटर को भी पता होना चाहिए, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, सर वॉल्टर लेग, फ्रांसिस बेकेन और बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने देखिए शेक्सपियर के बारे में कहा है कई बार। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। देखिए, यहाँ भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एज को गोल्डन पोएट्री की पोएट्री एंड ड्रामा की गोल्डन एज कहा गया है। तो वो एलिजाबेथियन एज को जो है पोएट्री की और ड्रामा की जो है गोल्डन एज कही गई है। देखिए, इस समय का जो महत्वपूर्ण राइटर है वो बेन जॉनसन है। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट ड्रामाटिस्ट हु गेव द इंग्लिश लिटरेचर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार जो है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसकी रचना है, तो ये बेन जॉनसन की रचना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो है। ही इज ए थ्योरी ऑफ कॉमेडी वॉज बेस्ड ऑन ए
बेस ऑन थ्योरी ऑफ कॉमेडी वॉज बेस ऑन क्लासिकल कॉमेडी. उनकी जो कॉमेडी है उसे क्लासिकल कॉमेडी के नाम से भी हम जानते हैं. क्लासिकल कॉमेडी थी उनकी. देखिए नेक्स्ट, बेन जॉनसन सेड शेक्सपियर जो शेक्सपियर हुए हैं उनके बारे में बेन जॉनसन ने खुद कहा है, ही नो लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक. बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ये कहा गया है, जो बेन जॉनसन ने खुद शेक्सपियर पर कहा है कि वे तो थोड़ा सा लैटिन जानते थे और थोड़ा सा ग्रीक जानते थे. अर्थात कहने का मतलब है शेक्सपियर को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. अब देखिए इनका जो वर्क है बेन जॉनसन का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1593 में 98 में लिखा गया. सेकंड वर्क है इनका एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये जो राइट लिखा है 1599 में राइट कर गया. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नोट करने की चीज़ है बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा. देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें अब जॉन फ्लेचर एंड फ्रांसिस बोमाउंट ये टू राइटर हुए. अब देखिए ये महत्वपूर्ण राइटर क्यों माना जाता है, क्योंकि जो एक बुक थी जो शेक्सपियर की इनकम्प्लीट थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विच बुक इज इनकम्प्लीट ऑफ शेक्सपियर. वो हम तो जानते हैं सभी लोग, वो हमारी बुक है हेनरी एट, हेनरी एट बुक है जो शेक्सपियर के इनकम्प्लीट है. लेकिन उस जो बुक है उसे कम्प्लीट किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो इसमें जॉन फ्लेचर एंड फ्रांसिस बेकन के द्वारा उस बुक को कम्प्लीट किया गया है, जॉन हेनरी एट को जो है. तो देखिए ये हमारे इसमें कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, और ये TGT PGT में पूछे भी जाते हैं हमारे. थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.